सकता नहीं। जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। बरेली में संयुक्त किसान मोर्चे की एक प्रेस वार्ता किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में आयोजित की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। 9 दिसंबर को जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी घटक सरकार के वायदा खिलाफी की निंदा करते हैं। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लखीमपुर में किसानों की हत्या करने वाले गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजय मिश्रा उर्फ टैनी आज भी मंत्री बने बैठे हैं। उनके 6 पेट्रोल पंप हैं। सरकार ने MSP के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की है। सरकार आचार संहिता की दुहाई दे रही है। किसान की जमीन छीने जाने की योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि किसको वोट देना है किसान खूब जानता है। सरकार का कर रहे जोन सी सरकार, देखो सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है, सरकार और पार्टियां अलग अलग है। हमारा है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से, जो भी आएगी। अब इतना तो हो गया है कि आंदोलन से जब से आपने खबरें छापनी शुरू करी तो इन्होंने अपने कागज पत्र में किसान को स्थान देना शुरू करा। तो ये है कि आंदोलन मजबूत चाहिए, सरकार किसी की आ जाओ कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसान की बात सुननी पड़ेगी। रोला रुका हम रखेंगे और वे बात सुने। कहाँ करा भाई, कहाँ करा है भाई? सुरेश राणा लगातार ही कह रहे पहली कैबिनेट, भाई पहली कैबिनेट सुरेश राणा का ये पता कर लो कि आपका जो गन्ना डाला और आपके भाई ने, आपका भुगतान हो गया क्या? 16 जनवरी तक का बता रहे कि आगे आया गन्ने का भुगतान। 16 पिछले साल का कह रहा होगा, गलत कह रहा, गलत। ये आपकी मुजफ्फरनगर के किसान कह रहे थे कल। अरे आप सुरेश राणा का ही पता कर लो। सुरेश राणा नहीं, मुजफ्फरनगर के किसानों का। अरे सुरेश, अच्छा मंत्री का पता कर लो ने। और एक इस साल कुछ फैक्ट्रियों का अगर इलेक्शन के दौरान दे दिया उन्होंने अब, लेकिन उन्हें पिछला भुगतान कब करा? अब बहुत ही स्पीड पकड़ ली। अगर इलेक्शन है कि अब तुरंत दे दें, कहीं सरकार ने तो नहीं दे दिया पैसा। लेकिन पिछले साल का भुगतान, पिछले साल का भुगतान अभी भी जो मंत्री है यहाँ के, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।